वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आप देख रहे हैं बेस्ट शिक्षा न्यूज। एआरपी का कार्यकाल समाप्त, अपने स्कूल में करेंगे शिक्षण कार्य। इस जिले के प्रसिद्ध विद्यालय श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों का ईएल में नहीं होगा समायोजन। समायोजन विशेष कोर्ट अपडेट, आज की सुनवाई का सार, प्रार्थना सभा की फोटो भेजेंगे शिक्षक, साथ ही 11 रजिस्टर करेंगे डिजिटल। एआरपी का कार्यकाल समाप्त, अपने स्कूल में करेंगे शिक्षण कार्य। कानपुर देहात जिले के सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई। शासन की ओर से एआरपी के चयन को लेकर अग्रिम आदेश नहीं दिए गए, जिससे जो शिक्षक अब तक एआरपी का काम देख रहे थे वे अपने मूल पद पर ही काम देखेंगे। एआरपी के कार्यकाल की अवधि मार्च 2024 तक ही विस्तारी की गई थी। ऐसे में अब नवीनीकरण, नया चयन, पुनर्निर्धारण आदि की कार्रवाई अगले आदेश पर निर्धारित करेगी। एआरपी का पद हासिल करने को शिक्षक एड़ी चोटी का जोर भी लगाते हैं, क्योंकि स्कूलों में निरीक्षण करने से लेकर विभिन्न काम काज में उनका दखल होने की वजह से एआरपी भी अपने रुतबे में रहते हैं। ऐसे में कई ब्लॉक क्षेत्रों में तैनात एआरपी को लेकर पूर्व में शिकायतें भी हो चुकी हैं। शासन की ओर से एआरपी के कार्यकाल की अवधि 31 मार्च तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। संवाददाता कानपुर देहात। कानपुर देहात दैनिक स्वतंत्र निवेश। जिले के सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई। शासन की ओर से एआरपी के चयन को लेकर अग्रिम आदेश नहीं दिए गए, जिससे जो शिक्षक अब तक एआरपी का काम देख रहे थे वह अपने मूल पद पर ही काम देखेंगे। इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त प्रति मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार व सोमवार को रहेंगे बंद। ये जिला वरिष्ठ अधिकारी जनपद बदायूं का ये आदेश है। 21 जुलाई 2023 से श्रावण मास प्रारंभ होने एवं शिवभक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार रात तक सभी मुख्य मार्ग पर रोड डायवर्जन किए जाने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय बदायूं की प्रदत्त अनुमति उपरांत उत्तर प्रदेश वरिष्ठ परिषद के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त प्रस्तुति मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे। साथ ही जिलाधिकारी महोदय बदायूं एवं शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 के अनुपालन में दिनांक 20 जुलाई 2024 को बृहद स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित होने के कारण दिनांक 20 जुलाई 2024 को समस्त शिक्षक शिक्षिका शिक्षा मित्र निदेशक शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहकर बृहद स्तर विद्यालय में वृक्षारोपण करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ उक्त दिवसों में शासन विभाग से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त आदेश का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं। समायोजन विशेष कोर्ट अपडेट, आज की सुनवाई का सार क्या है साथियों? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 7 में 10 नंबर पर सुनवाई हुई। वकीलों ने जोरदार बहस की, परंतु न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाड़िया जी ने विभाग से जवाब मांग लिया और केस को 12 अगस्त को लगा दिया गया है। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों का ईएल में नहीं होगा समायोजन। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले देहात के शिक्षक नेता दिया ज्ञापन। बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी से मिलकर गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए देहात शिक्षक संघ के नेता, शिक्षक व कर्मचारी। कानपुर देहात 18 जुलाई प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाए जाने के बाद अभी ने ईएल अर्जित अवकाश समेत अन्य सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक सुश्री कंचन वरवंज ने शिक्षक शिक्षा मित्र निदेशक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें अवकाश व आकस्मिक अवकाश की सुविधा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले मंगलवार को मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने समस्याओं को लेकर अपनी बात कही रखी थी। इस बैठक में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश पर बुधवार को महानिदेशक ने के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि शिक्षक काफी दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, कई स्कूल दुर्गम क्षेत्र में है, ऐसे में अर्जित अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों ने अर्जित अवकाश के लिए यह खबर प्रकाशित कर दी है कि ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश को
कम करके अर्जित अवकाश में समायोजित कर दिया जाएगा। जबकि इस संदर्भ में ऐसी कोई चर्चा वार्ता नहीं हुई थी, वैसे भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट देगा और जब कैबिनेट में पास होगा तभी ऐसा संभव है। अफवाह फैलाकर कुछ अराजक तत्वों ने शिक्षकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इसके बाद गुरुवार को ARP मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी टीम का एक प्रतिनिधिमंडल मंजीत सिंह के नेतृत्व में बे शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह, शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी, शिक्षा निदेशक श्री प्रताप सिंह बघेल जी एवं SCERT निदेशक श्री गणेश कुमार जी से मिला। उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस के संबंध में विस्तृत वार्ता की और ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों का अहित नहीं होगा और उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश या आकस्मिक अवकाश में से किसी भी अवकाश को कट या मर्ज नहीं किया जा रहा है, ऐसी किसी प्रकार को उन्होंने अफवाह बताया है। श्री मंजीत सिंह ने प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन के संबंध में भी आग्रह किया। पदोन्नत शिक्षा मित्र और निदेशकों को समान कार्य के लिए समान मानदेय, रसोइयों को 11 माह का मानदेय, सामूहिक बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने की बात रखी। प्रार्थना सभा की फोटो भेजेंगे शिक्षक, साथ ही 11 रजिस्टर करेंगे डिजिटल। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को छोड़कर शेष 11 डिजिटल रजिस्टर पर पहले की तरह कार्य करना होगा। स्कूलों को आवंटित टैबलेट के माध्यम से सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी। यही नहीं, प्रार्थना सभा की फोटो भी प्रतिदिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ भेजनी होगी। प्रधान अध्यापकों की जिम्मेदारी सौंपी गई, अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा जो शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेंगे उन्हें प्रधान अध्यापक नोटिस जारी करेंगे और कार्रवाई की संस्तुति भी करेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक सुश्री कंचन वर्मा जी की ओर से सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि शिक्षा की उपस्थिति छोड़ बाकी अन्य कार्य पूर्वज जारी रहेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी BO अपने ब्लॉक के विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को प्रतिदिन प्रार्थना सभा की फोटो भेजने का निर्देश देंगे। ऐसे विद्यालय जहाँ से प्रार्थना सभा की फोटो ऑनलाइन नहीं भेजी जा रही उनके प्रधान अध्यापकों की सूची BSA को भेजें और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करें। साथ ही उसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। पहली बार हमारे इस चैनल पर